हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करो। और आज की न्यू ब्लॉग में मैं कुछ मतलब करने जा रही हूँ, बेसिकली अपने बेटे के लिए करने जा रही हूँ। उसका थोड़ा सा एक कॉर्नर मैं सोच रही हूँ कि एक कॉर्नर सिर्फ उसी के हिसाब से डेकोरेट करूँ। और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये कॉर्नर यहाँ पे मैंने इस वॉल पे भी लगाई हुई है, जो मैंने ABCD वगैरह कुछ उसका लर्निंग के लिए, क्योंकि अब वो 2 साल का हो गया, 2 साल से ऊपर चल रहा है, तो अब थोड़ा उसका लर्निंग स्टेज आ गई है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी सही स्टेज है उसके लिए कि कुछ लर्निंग प्रोसेस और थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव सा, ताकि वो अच्छे से उसके मज़ा आए। तो यही सोच के मैं कुछ ये डेकोरेट करूँगी वॉल को, और मैं दिखाती हूँ कि किस चीज़ से डेकोरेट कर रही हूँ मैं। और ये मैंने वॉल स्टिकर मंगाए हैं, ये मैंने अमेज़न से मंगवाए थे, ये 2 मंगाए हैं। एक इसमें जिराफ है और इसके अंदर कुछ एनिमल्स का है। अभी मैं लगाऊंगी ना तो आपको दिखाती हूँ। तो ये है जंगल कार्टून क्यूट एनिमल वॉल स्टिकर, इस पे लिखा हुआ है और इसका साइज है 60x90। प्राइस जो है 830 का प्राइस है, लेकिन मुझे अमेजोन पे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गया था। और एक ये दूसरा स्टिकर है और इस पर क्या लिखा है, वॉल स्टिकर जो इसका नाम है डिकेज डिज़ाइन किट्स जिराफ हाइट चार्ट वॉल स्टिकर। इसकी जो है मेजरमेंट 50 cm x 70 cm, जो प्राइस है 664 यानी 664 का है। तो अब हम लगाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यह वॉल को साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया है, ताकि जो भी डर्ट है या कुछ भी चिपका है, हाथ वाथ लगा देता है आर्यश, तो कुछ भी ऐसी डर्ट ना रहे, क्योंकि वो स्टिकर्स हैं वो चिपकेंगे नहीं फिर ठीक से। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें से निकाल लिया है। और इसके अलग अलग पार्ट्स थे, इसमें नंबरिंग नहीं दे रखी थी, लेकिन छोटा सा एक डायग्राम था इसमें, जिसको देख के समझ में आता कि कैसे कैसे लगाना है, तो वो लगाने से आइडिया हो जाएगा। इजी था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको लगाने में। स्केल भी 2 पार्ट में था, तो इसे हमने लगा दिया था। ऐसे एक्चुअल में जो स्केल था वो जिराफ के ऊपर लगाना था, इस तरीके से उसमें दे रखा था, लेकिन ये टाइलों का साइज़ छोटा था तो ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा था, तो मैंने जिराफ को अलग से लगा दिया था और स्केल अलग से लगा दिया था। तो ये भी अच्छा लग रहा था मुझे तो। और उसके बाद चिपकाने के बाद अच्छे से कपड़े से अच्छे से दबा लेना है, ताकि कोई भी एयर ना रहे स्टिकर के अंदर, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बबल या एयर वगैरह होगी ना, तो जल्दी से मतलब लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा, छूट जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग दे रखी थी अलग अलग, अब मैं इनको लगा दूंगी इस पर। ऐसे जैसे मैंने ऑर्डर किया था ना, एक्चुअल में लगाने के बाद भी वैसा ही दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था लगाने के बाद, तो आपको भी पसंद आएगा। ये देखो, ये है फाइनल लुक इसका जिराफ का, यहाँ तक आया था। वैसे ये जो दे रखा था वो इसके नीचे दे रखा था, ये ऊपर, लेकिन टाइलों का साइज इसके अकॉर्डिंग था ना, तो फिर हमने इसको अलग कर दिया। तो ये ऐसे भी अच्छा लुक दे रहा है। आप भी मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा जिराफ वाला। अभी दूसरा लगा रहे हैं एनिमल्स वाला, तो वो सिर्फ लगाते हैं। मैंने दूसरी तरफ भी अच्छे से टाइलों को साफ कर लिया है कपड़े से। और उसके बाद इसमें इसके अंदर नंबरिंग दे रखी थी इसके अंदर, ये बहुत और भी ज़्यादा इजी था उसे, इसमें नंबरिंग के हिसाब से दे रखा था कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा।
और ये एनिमल्स थे, ये टू पार्ट में ही थे, ये अलग अलग नहीं थे, टू पार्ट में ये पूरा अच्छे से लग गया था और ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये मेरी पूरी वॉल मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और सभी को घर में बहुत पसंद आई थी, मतलब अलग सा ही लुक आ रहा था। और सच्ची कहूँ तो मुझे कुछ ऐसा लुक आ रहा था जैसे वो प्ले स्कूल में होते हैं ना वॉल पे, सेम ऐसा ही लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और आरिश भी बड़ा खुश हो रहा था इनको देख के, अभी वो सो के उठ के आया है ना। अरे देखो क्या है, देखो देखो कहाँ पे, ओए आरिश का रूम बन गया। लोयन दिखाओ, लोयन काय लोयन, ओए देख जाओ वहाँ पे, सन बताओ, सन बताओ, सन एलिफेंट बताओ वहाँ पे कहाँ है, एलिफेंट बताओ कहाँ है, इधर मुझे दिखाओ। ओ बैट बॉल भी निकाल दोगे, सब खाली कर दोगे, खाली रह, अभी आपका कॉर्नर हो गया है ना, अब यहाँ पे खेला करना आप, सब निकाल दियो। अरेश आपने कबाड़ा भी रखा हुआ है, खराब हो गई अभी। हाँ काय तोड़ दी ना आपने काइट है ना, ये भी है, ये भी आपने तोड़ दी काइट। ओ अरेश इतनी सारी, इतनी सारी काइट फाड़ दिया आपने, ये देखो सब गिरा दिया अरेश ने। दिखा तेरे रूल ले लू तेरा।